नमस्कार, मैं मंगल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माय कंप्यूटर क्लासेस में। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं पूरे डेस्कटॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डेस्कटॉप में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें होती है, तो अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट होते हैं सबसे पहले अपन को यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन होगा और मेन्यू में एक ऑप्शन आएगा आप रिप्लेस। तो यहाँ से मेन्यू ओपन हो गया, राइट क्लिक करने से केवल मेन्यू ओपन होगा, आपको रिप्लेस करना है तो लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा रिप्लेस के ऊपर जाके। ये रिप्लेस करने से यहाँ पे ये हल्के से देखना, यहाँ पे आइकन के ऊपर रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस हो गया। तो ये कंप्यूटर रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस क्यों करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जैसे आपने स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी होते हैं कंप्यूटर में जो धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, वो तो अपन इनको रिप्लेस करेंगे तो वो जल्दी से स्टार्ट वगैरह हो जाएंगे और कंप्यूटर हैंग नहीं होगा। अगर अपन यहाँ पर रिप्लेस नहीं करेंगे और डायरेक्ट अपन कंप्यूटर चलाएंगे तो उससे क्या होगा, कंप्यूटर हैंग होने लग जाएगा। तो हमेशा अपना कंप्यूटर या किसी और का कंप्यूटर अपन चलाएं तो जरूर उसको रिप्लेस करें। राइट क्लिक करके रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, अपन रिप्लेस कर सकते हैं। और यदि अपन यहाँ से रिप्लेस नहीं करना चाहें तो इसका शॉर्टकट तरीका भी है, इसकी शॉर्टकट कीज़ भी है कंप्यूटर में या कीबोर्ड के अंदर। F1 से लगाकर F12 कीज़ जो आती है उसमें एक कीज़ आती है, उसका नाम है F5। F5 की जो अपन दबाएंगे इसको, ये दबाने से रिप्लेस हो जाएगा। जितनी बार दबाएंगे उतनी बार ये रिप्लेस हो जाएगा। तो या तो आप राइट क्लिक करके रिप्लेस कर सकते हैं या शॉर्टकट तरीका कीबोर्ड में से F5 दबाएंगे तो भी रिप्लेस हो जाएगा। तो ये रिप्लेस करने का तरीका हो गया। फिर अपन देखते हैं ये सभी चीज़ें आ रही है यहाँ पे, ये सभी जो एक्सेल है वर्ड वगैरह ये सभी इनको क्या बोला जाता है यहाँ पे, आइकन्स। डेस्कटॉप पर जो भी पड़े हुए हैं यहाँ पे आइकन्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, इसलिए आइकन्स अगर एक या एक पड़ा होते उसको आइकन बोलते हैं। तो ये आइकन है, ये बहुत सारे हैं इसलिए अपन एक साथ बोलेंगे इनको आइकन्स। तो ये आके आइकन हो गए। और यहाँ पे जो होता है आपके स्टार्ट बार बोलते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते ही ये जो मेन्यू खुलेगा इसको बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू, ये पूरे को। तो ये स्टार्ट बार, और इस यहाँ क्लिक करने पर स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। तो ये माउस की सहायता से खोल सकते हैं अपन, और अगर माउस की सहायता से नहीं खोलना है तो इसका भी शॉर्टकट कीज है विंडोज़ कीज़। कीबोर्ड में कंट्रोल और अल्टर के बीच में जो कीज होती है उसको विंडोज़ कीज बोलते हैं। तो विंडोज़ कीज का नाम नहीं लिखा नहीं आता है, लेकिन कंट्रोल और अल्टर के बीच में ही होती है हमेशा। तो विंडोज़ की दबाएंगे तो ये ऑप्शन डायरेक्ट खुल जाएगा स्टार्ट मेन्यू। देखो मैंने यहाँ पर गया भी नहीं और डायरेक्ट विंडोज़ की दबाऊंगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये इसकी शॉर्टकट कीज हो गई राइट। तो ये स्टार्ट बार, और यहाँ पर जो होता है ये टाइप, अपन सर्च करना हो कुछ भी यहाँ से टाइप करके अपन सर्च कर सकते हैं कुछ भी, जैसे कंट्रोल पैनल सर्च करना हो, सेटिंग सर्च करनी हो तो यहाँ डायरेक्ट अपन सर्च कर सकते हैं। टर्न वाला ऑप्शन सर्च करना हो, वर्ड वगैरह एक्सेल वगैरह यहाँ पे देखो वर्ड वगैरह दे रखा है, तो यहाँ से अपन कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जो भी चीज़ अपने कंप्यूटर सर्च करनी हो जो इस कंप्यूटर के अंदर है वो यहाँ से डायरेक्ट अपन सर्च कर सकते हैं, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये सर्च बार हो गया, और ये जो पूरा होता है इसको अपन बोलते हैं टास्क बार। जितने भी टास्क होते हैं सब यहाँ पर अपन मिनिमाइज होते हैं अगर मिनिमाइज करना चाहें अपन, और या इनका शॉर्टकट तरीका भी यहाँ बना सकते हैं जैसे अपन डायरेक्ट यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्रोम है तो यहाँ पे इसको क्रोम को कैसे लेके आए तो वो भी अपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप पर जो आइकन है राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर एक ऑप्शन आएगा, एक तो ऑप्शन आ रहा है पिन टू स्टार्ट, मतलब अगर अपन इसको पिन करेंगे तो ये स्टार्ट बार में जाएगा, यहाँ स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाएगा। एक ऑप्शन आ रहा है अनपिन फ्रॉम टास्क बार, तो इसको टास्क बार बोलते हैं। और यहाँ पर अभी ये पिन है तो इसको अपन क्या करेंगे, अनपिन करते यहाँ से क्रोम हट गया। अगर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐड करने हैं इन सभी इनको सबको यहाँ पे भी ऐड करना है तो कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे और क्रोम को वापस वहाँ पे अपन पिन टैप कर देंगे तो ये पिन टू टास्क बार, तो ये पिन टू टास्क बार हो गया। दोनों के नाम अलग अलग है, हटाना हो तो वापस अनपिन फ्रॉम टास्क बार और पिन टू स्टार्ट या स्टार्ट मेन्यू में जाएगा। तो ये पूरा एरिया जो होता है इसको बोलते हैं टास्क बार। ये पूरा टास्क बार हो गया, ये स्टार्ट बार, ये सर्च, और ये पूरा टास्क बार हो गया। ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं जैसे कि आप इंटरनेट वगैरह चलाते हो, इंटरनेट का ऑप्शन हो गया, अगर इंटरनेट वगैरह चलाते हैं कुछ भी कैमरा वगैरह लगाते हैं, जैसे भी कोई सा भी नोटिफिकेशन आता है वो सारा नोटिफिकेशन यहीं पर आता है, इसको नोटिफिकेशन एरिया बोला जाता है। और ये जो होता है ये टाइम वगैरह होता है, यहाँ पर टाइम और डेट आती है, आप यहाँ से टाइम वगैरह डेट वगैरह चेंज करना चाहें तो भी चेंज कर सकते हैं, तो टाइम और डेट दे सकते हैं कंप्यूटर की। ये जो पूरा होता है इसको डेस्कटॉप बोला जाता है, और जो पीछे आ रहा है ब्लू कलर में इसको अपन वॉलपेपर बोल सकते हैं, और पूरे को अपन डेस्कटॉप बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे
जो आइकन्स बने हुए हैं, अगर मेरे को कोई नया आइकन ऐड करना है तो अपन कैसे करेंगे? ज़्यादा यहाँ पर डेस्कटॉप पर जो इम्पोर्टेंट आइकन है वही रखना चाहिए, ज़्यादा आइकन रखने से कंप्यूटर यहाँ पर हैंग होने लग जाता है। तो जितने कम आप डेस्कटॉप पर आइकन रखोगे उतना ही कंप्यूटर अच्छा चलेगा, हैंग नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे आप कोई भी, यहाँ पे आपको शॉर्टकट बनाना हो इनका तो कैसे बनाएंगे आइकन, जैसे कि यहाँ पे दिस पीसी जो लिखा रहा है माई कंप्यूटर चलते हैं, माई कंप्यूटर जाने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, और डबल क्लिक करना नहीं चाहे तो आप इसका शॉर्टकट तरीका भी है, विंडोज़ की प्लस ई दबाएंगे कीबोर्ड से तो डायरेक्ट आपका कंप्यूटर माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा या दिस पीसी ओपन हो जाएगा। सभी में यही ऑप्शन है शॉर्टकट तरीका, या तो आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या विंडोज़ के साथ में ई दबाएंगे तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कोई सा भी शॉर्टकट बनाना है, जैसे मेरे को वीडियो फाइल है या पिक्चर फाइल है, स्क्रीन शॉट वाली फाइल है, कोई सी भी डॉक्यूमेंट वाली, जैसे डॉक्यूमेंट वाली बनानी है तो इसको बना सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेंड टू, आपको कहाँ सेंड करना है वहाँ सेंड कर सकते हैं। अगर आपने पेन ड्राइव वगैरह लगा रखे हैं तो पेन ड्राइव का ऑप्शन भी आएगा, वहाँ भी आप पेन ड्राइव में सेंड कर सकते हो, या डेस्कटॉप का ऑप्शन है, आपको डेस्कटॉप करना है तो डेस्कटॉप ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट ए शॉर्टकट, ये डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बन जाएगा, ये तो डॉक्यूमेंट का यहाँ पर शॉर्टकट बन जाएगा। पर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आपको बस यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करते ही सेलेक्ट हो जाएगा, और कीबोर्ड से केवल डिलीट वो ऑप्शन दबाना है, ये डिलीट दबाते ही डिलीट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, ये शॉर्टकट हो गया। और अगर आप यहाँ से भी बनाना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर एक ऑप्शन आएगा न्यू, और न्यू में जो फाइलें पड़ी हुई वर्ड वगैरह इनकी, यहाँ से भी आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट किसी को भी आप यहाँ से शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसे कि आप एक्सेल को बनाना चाहते हैं तो ये एक्सेल का बन गया। अब ये यहाँ पर आया, अगर आपको यहाँ सेट करना है इसको तो यहाँ से इसको खींच के यहाँ ला सकते हैं, अपन कहीं भी इसको आप खींच के एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से, जैसे भी एडजस्ट करना चाहो। और कोई फाइल आपके नहीं चाहिए तो यहाँ पर अपन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने का मतलब यहाँ केवल क्लिक करना है आपको इसके ऊपर लेफ्ट, और डिलीट दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक करने पर अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू, व्यू में जो ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लार्ज आइकन, मीडियम आइकन्स और स्मॉल आइकन्स। लार्ज अभी जो आइकन्स है वो मीडियम साइज में है, अगर आपको लार्ज आइकन करने हैं, लार्ज आइकन करेंगे तो देखो साइज कितनी बड़ी होगी इनकी, और यदि आप इसको मीडियम आइकन कर रखेंगे तो मीडियम आइकन हो जाएगी, और अगर आप जैसा भी करना चाहें स्मॉल आइकन्स तो ये स्मॉल आइकन्स छोटे से हो जाएंगे। तो अपन वापस इसको मीडियम आइकन पर कर देते हैं, जैसे भी आइकन को करना हो वो कर सकते हैं सेट। शॉर्ट बाय करना हो तो अपन शॉर्ट बाय भी कर सकते हैं, इनको नेम वाइज, जैसे कि अभी ये है नेम वाइज ही है तो नेम वाइज कर सकते हैं आप इसको, साइज वाइज भी कर सकते हैं, और आइटम वाइज भी कर सकते हैं, आइटम टाइप वाइज, डेट वाइज भी कर सकते हैं, तो साइज वाइज जैसे चेंज हो गया साइज के हिसाब से। और शॉर्ट बाय में गए आपस नेम वाइज करना है तो आपस नेम वाइज भी हो जाएगा ऐसे, तो आप जैसा भी करना चाहें यहाँ से शॉर्ट बाय कर सकते हैं। इसको रिप्लेस करने का तरीका आपको पहले से पता है, रिप्लेस यहाँ से अपन करते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।